अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट में संशोधन के विरोध में दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर हमीरपुर में बिल्कुल भी नहीं दिखा। हालांकि हमीरपुर में दलित महासभा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव को निरस्त किया जाए। दलित महासभा के सदस्य संजीव नागवान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन किए जाने पर दलित समाज में विरोध है। उन्होंने बताया कि DC के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है ताकि दलितों के खिलाफ हो रहे काम को तुरंत रोका जा सके। नागवान ने कहा कि अगर जल्द इस फैसले को निरस्त नहीं किया गया तो हिमाचल के दलित संगठन भी रैलियां और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जितने भी दलित समाज सेवी संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन सब ने जो है वो संयुक्त रूप से जो है वो माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा और ज्ञापन में जो है वो राष्ट्रपति जी से ये मांग की कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एट्रोसिटी एक्ट में जो बदलाव किया गया है, हम उस बदलाव का जो है विरोध करते हैं और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि उस बदलाव को, उस संशोधन को जो है वो जितना शीघ्र हो सके उसको जो है निरस्त किया जाए ताकि इस कानून को जो है वो और मजबूत तरीके से लागू किया जाए, ना कि इसको कमजोर किया जाए। और इस समय पूरे भारत में जो इस कानून के प्रति, इस फैसले के प्रति जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, हिमाचल प्रदेश के तमाम समाजसेवी संगठन जो हैं वो उस बंद का जो है वो समर्थन करते हैं और अगर शीघ्र अतिशीघ्र इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हिमाचल प्रदेश के संगठन भी भारत के दूसरे संगठनों के साथ मिलकर रैलियां और आंदोलन की जो है वो रूपरेखा तैयार करेंगे और जगह